है गाइस सो आज की वीडियो में ये वाला ब्यूटीफुल सब ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ मैं वेलेंटाइंस डे के लिए ज़रूरी नहीं है वेलेंटाइंस डे के लिए डेट नाइट्स या फिर पार्टीज नाइट आउट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है ये और ब्लैक ड्रेस के साथ बहुत सुंदर जाता है बहुत अच्छा लगता है सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने लेंसेज वेयर कर रही हूँ सो यहाँ पे मैंने वॉयलेट कलर या पर्पल कलर के लेंसेज लिए हैं सो तो लेंसेज से क्या होता है अपना होल और जो मेकअप करते हैं वो एकदम चेंज हो जाता है और लुक बहुत अच्छा आता है सो लेंसेज यहाँ पे मैंने वेयर कर लिए हैं एंड कुछ ऐसे लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं एंड उसके बाद अब हम करने वाले हैं अपने फेस का मैंने अपना मॉइस्चराइज सब कर लिया था पहले प्राइमिंग भी कर ली थी मैंने सो मैंने यहाँ पे मिस कलेयर का प्राइमर यूज़ किया था उसके बाद मैं एन वाई बे की एक कंसीलर स्टिक यूज़ कर रही हूँ औरेंज शेड में अपने दागों को छुपाने के लिए क्योंकि मेरे बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रखी है जैसा कि आप देख सकते हैं सो so, उसको हटाने के लिए छुपाने के लिए सो so, अब मैंने मेबिलिन फिटमी का कंसीलर लिया है उसको लेकर ना अपने आईलेट्स भी लगा रही हूँ जिससे जो मेरी आईलेट्स पे जो भी पिगमेंटेशन है वो हट जाएगी एंड मेरी आइज़ को एक बहुत ही अच्छा सा बेस मिल जाएगा आई लगाने के लिए सो so, मैं ब्लैक स्मोकिंग आई करने वाली हूँ इसलिए पहले आई मेकअप कर रही हूँ ये पैलेट मैंने यूज़ की है हुडा ब्यूटी की ये पैलेट है ड्यू पैलेट है पर इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा है एकदम मस्त पिगमेंटेशन है सबसे पहले वो वाला शेड लेके अपनी क्रीज पर मैं अप्लाई कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से कुछ इस तरीके से एंड देन ये डार्कर शेड लेकर अपनी क्रीज को और अच्छे से मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ उसके लिए मैंने छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है उसको लेकर मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कुछ ऐसा लग रहा है कुछ इतना इतना हमको लगाना है एंड देन मैंने यहाँ पे ये एन वाई बे का काजल लिया है ब्लैक काजल उसको इस तरीके से अप्लाई कर लिया है बहुत ही ज़्यादा नीट होने की ज़रूरत नहीं है एंड ब्रश की हेल्प से ना उसको अच्छे से स्मच कर लिया है हमको अपनी क्रीज से ऊपर बिल्कुल नहीं ले जाना है वरना वो फैल जाएगा और फिर एकदम ख़राब हो जाएगा तो इस चीज़ का हमको बहुत ध्यान रखना है इस तरीके से हमको इसको ब्लेंड कर लेना है जैसा हो गया है एंड उसके बाद मैंने उसी पैलेट में से ब्लैक कलर लिया है उसको मैं उसी काजल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ये हमने काजल लगाया था और अच्छे से उसको डीप ब्लैक इफ़ेक्ट देने के लिए हम ये ब्लैक वाला आई यूज़ कर रहे हैं तो so, उसको इस तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे आप देख सकते हैं एंड देन फिर से हम वो डार्कर शेड लेकर एडजस्ट को ना एकदम क्लीन कर लेंगे ताकि हार्श लुक ना आए सो so, यहाँ पे मैंने फॉल्सीज भी ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली हैं सो so, यहाँ पे लैक में नाइन्टी फाइव का फाउंडेशन और मैंने फ़ाउंडेशन गिरा दिया और यहाँ पे मैं हाथ दिखा रही हूँ पता नहीं क्या होता है सर्दियों में मेरे हाथ मेरी बॉडी से ज़्यादा डार्क हो जाते हैं सो तो यहाँ पे 95 फाइव लैकमे का मैंने फाउंडेशन लिया है काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है इन दी शेड बॉम कैरेमल सो तो मैंने अप्लाई कर लिया नेक को बिल्कुल मत छोड़ देना पड़ोसी समझ के कि नहीं नहीं लगाएंगे मैच करना चाहिए ना फेस एंड नेक तभी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है मैंने पूरे फेस को लेकर ना अच्छे से मैंने ना ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लैंड करें हमें फाउंडेशन को बहुत ही ज़्यादा टाइम देके ब्लेंड करना है वरना हम अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है सो so, मैंने अप्लाई कर लिया एंड सेम कंसीलर मैंने लिया है फिटमी का उसको इस तरीके से लगा रही हूँ मैं मतलब थोड़ा सा फ़ेस को हाईलाइट करने करेंगे क्योंकि फ़ेस तो मेरा कवर हो चुका है बहुत ही ज़्यादा ऐसे डीप पिगमेंटेशन नहीं है मेरे फेस पर और मैंने कलर करेक्टर भी यूज़ किया था तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा जरूरत है नहीं तो उसको लेकर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसको बहुत ही टाइम देकर हमको ब्लेंड करना है इसको बिल्कुल भी हमको ऐसा नहीं करना है जल्दी 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 करके हो गया ऐसे नहीं अच्छा नहीं लगेगा एंड देन मैंने यहाँ पे उसका ब्लू हेवन का फिनिशिंग पाउडर लिया उससे तो थोड़ा सा मैं बेक कर रही हूँ बेक नहीं करूँगी बस सेट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रख रही हूँ सो so, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ पर बाकी पूरे फेस को मैं एन वाई वे कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसको पूरे फेस को बाकी को मैं ना ऐसे अच्छे से, से सेट कर लूँगी एंड फिर इसको हो जाने के बाद मैं इसको डस्ट ऑफ़ कर रही हूँ बहुत ज़्यादा देर नहीं रखा ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट मैंने इसको रखा है बहुत ज़्यादा मुझे बेक नहीं करना था सो मैंने इसको पाउडर को रिमूव कर लिया है और अब मैं ये एन वाई वे की पैलेट यूज़ कर रही हूँ उसमें से ये वाला शेड लेकर अपनी आईब्रोज को फिल इन कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी और यहाँ पे मैं स्पुली से कर रही रिकॉर्ड करना ऑन करना, करना ही भूल गई याद ही नहीं रहा सो मैंने आई मेकअप कंप्लीट कर लिया अपनी लोअर लैश लाइन पे सब लगा लिया मस्कारा लगा लिया यहाँ पे मैं ब्लश लगा रही हूँ एंड हाइलाइटर लगा लिया है लिपस्टिक मैंने पहले ही लगा ली कुछ शूट किया था इस वजह से तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली थी बट मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया अपने इनर कॉर्नर्स पे ब्राउ बोन पे सब जगह पे हाईलाइटर मैंने अप्लाई कर लिया और कॉन्टर भी कर लिया था रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो आई एम रियली सॉरी गाइज मैं ऑन करना भूल गई तो यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें यूज़ की है लिप्स so के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया एंड देन स्टिक और की लिपस्टिक एंड एन वाई वे की एक ग्लॉस यहाँ पे मेकअप कम्प्लीट है मेकअप फिनिश करके आती है तो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो नीचे कॉमेंट करके बताना एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके बाय